Hello viewers, today I am going to tell you what is a conversion rate goal and its calculation. अब conversion rate क्या होता है ये आपको आज इसमें पता लग जाएगा। आपके YouTube चैनल में फाइनल होती है जो आपको पता होगी, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि अगर कितने लोग आपके YouTube चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, उसमें उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें इम्प्रेशन, उसके वॉच टाइम और उसके इम्प्रेशन रेट को यूट्यूब फनल से, और उसी पे हमारी इनकम डिपेंड करती है कि कितने लोगों ने हमारे वीडियो को देखा। जितने ज़्यादा लोग वीडियो को देखेंगे उतनी ज़्यादा इनकम होती है, और जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ज़्यादा कन्वर्जन रेट होगा। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे क्या होता है। हम कंपेयर करते हैं फनल को विद आइसक्रीम कोन। आपको आइसक्रीम कोन में कई फ्लेवर्स हैं, तो आपको हर फ्लेवर का मज़ा जब थोड़ा और नीचे पहुँचिएगा उसमें तभी आ पाएगा। पहला इम्प्रेशन जो आप सबसे ऊपर आइसक्रीम लेती है उसको देख के आपको होता है, और आपको खुशी होती है कि वो बहुत अच्छा फ्लेवर है। उसके बाद नीचे जब आप पहुंचते हैं तो दूसरा फ्लेवर मिलता है और आप उसको भी इंजॉय करते हैं, और सबसे नीचे जो फ्लेवर होता है उसको आप सबसे लास्ट में इंजॉय करते हैं। सेम चीज़ फनल के साथ है कि इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। जो जैसे आइसक्रीम कोन में होता है, अगर फर्स्ट ही अच्छा नहीं होगा तो आप नीचे वाला नहीं खाइएगा। तो उसी तरह अगर फर्स्ट इम्प्रेशन आपके वीडियो का सबसे अच्छा है तो व्यूअर आपका देखेगा। उसके बाद व्यू फ्रॉम इम्प्रेशन, अगर उसको इम्प्रेशन अच्छा लगा, अच्छा थंबनेल है आपका, तो वो अंदर वीडियो में जाएगा और उसको देखेगा, और देखने के बाद अगर उसको और मज़ा आया तो फिर वो आपका फुल वीडियो वॉच करेगा और वॉच टाइम आपको मिलेगा। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो वो फुल वॉच कर लेगा या मोस्टली वॉच कर लेगा अंत तक, और जब अंत तक वॉच कर लेगा तो आपका वॉच टाइम बढ़ेगा सब, और मान लीजिए अंत में वो सब्सक्राइब भी कर लेता है तो बहुत ही सोने पे सुहागा। और उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका YouTube फनल डॉलर से भर जाएगा। आपको फिर एफर्ट केवल तब करना पड़ेगा कि जब वो ऐड हो तब भी वो व्यूअर आपके ऐड को क्लिक करे, वीडियो को देखे, और एक बार इम्प्रेशन आपका अच्छा बन जाएगा तो वो हमेशा आपके वीडियो को देखेगा। अगर उसके चॉइस का वीडियो है, आपके उस आपका नीच उसी के नीच के हिसाब से है, मान लीजिए आप टेक का चैनल बनाते हैं और उसका भी टेक का चैनल है, तो वो बार बार आपके चैनल पर उसको देखने आएगा। तो जो कंपैरिजन हमने किया है यूट्यूब फनल का, वो ये भी फनल के हिसाब से और ये भी फनल के हिसाब है। आपका फनल तभी डॉलर से भरेगा जब आपका वॉच टाइम अच्छा होगा और सब्सक्राइबर ज़्यादा हो, बढ़ते जाएंगे, और जितने ज़्यादा आपके नीच के सब्सक्राइबर होंगे उतना ही अच्छा व्यू आएगा। और अगर आप सब पर सब करिएगा तो हर तरह के व्यूअर्स आपके पास हो जाएंगे, और वो बस अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए काम करेंगे, आपका व्यू नहीं बढ़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि अपने नीच के लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। अब हम लोग धीरे धीरे समझते हैं व्हाट इज़ अ कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट इज़ अ मैट्रिक शोन एज अ परसेंटेज दैट डिस्प्ले हाउ मेनी व्यूअर्स कंप्लीट एन एक्शन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्यूज। कितने व्यूज जो आए उसमें से कितने लोगों ने फुल कितना ज़्यादा देखा आपका वीडियो, उस पर डिपेंड करता है आपका कन्वर्जन रेट। जितने ज़्यादा देर वो देखेगा उतने ज़्यादा आपका कन्वर्जन रेट बढ़ता जाएगा। व्हाट इज अ कन्वर्जन गोल? अ कन्वर्जन गोल इज अ मेजरमेंट ऑफ सम एक्शन एन इंडिविजुअल यूजर हैज डन ऑन द वीडियो। अब गोल क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें उसको, 100% देखें, नहीं देखें तो कम से कम 50% देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और क्लिक लिंक
अगर प्लेलिस्ट का वो करते हैं तो आपका चैनल भी विजिट करेंगे, और चैनल विजिट करेंगे तो अगर आपके पास कम्युनिटी है तो उसको भी विजिट कर लेंगे। क्लिक ऑन एंड स्क्रीन और आई बटन, और आप एंड स्क्रीन और आई बटन भी लगाइएगा तो उससे भी आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, क्योंकि अगर उसको वीडियो पसंद आ गई तो एंड स्क्रीन भी वो खोलेगा और आई बटन भी खोलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लिक माई एड ऑन वीडियो। और सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट किससे मिलता है? जब आप ऐड लगाते हो और उसको व्यूअर क्लिक करता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 646 इंप्रेशन आता है तो आपका 24.9% यूट्यूब रिकमेंड करता है, और 3.7% क्लिक थ्रू रेट होता है, CTR होता है, जो हम आपको बहुत डिटेल में समझा चुके हैं, आप चैनल पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। व्यू फ्रॉम इम्प्रेशन 24 ही आया, तो आपका केवल 24 लोगों ने व्यू करा पूरा, और इम्प्रेशन जबकि 646 था। तो अगर ये 200% भी होता तो 200 लोग भी देखते तो आपका वॉच टाइम बहुत अच्छा होता। लेकिन अभी वॉच टाइम क्या, 3 एवरेज व्यू ड्यूरेशन, बहुत ही कम वॉच टाइम है। अच्छा, वॉच टाइम कम है तो आपका घंटा भी कम हो जाएगा, वॉच टाइम उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि अपने कंटेंट को ऐसा बनाइए कि आपका व्यूअर ज़्यादा से ज़्यादा देखे और उसको समझे कि इम्प्रेशन ही केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका व्यू करना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो देखेगा ही नहीं तो केवल इम्प्रेशन से आपका कन्वर्जन रेट नहीं बढ़ेगा। अब हम कन्वर्जन रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ डू यू कैलकुलेट कन्वर्जन रेट? इफ़ आई वॉन्ट टू मेजर हाउ मैनी पीपल व्यू एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो आफ्टर क्लिकिंग माई एड, द कन्वर्जन रेट फॉर्मूला विल बी द नंबर ऑफ पीपल हु व्यूड एंड सब्सक्राइब वीडियो अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु क्लिक माई एड ऑन वीडियो इंटू 100। तो कितने लोगों ने क्लिक किया और कितने लोगों ने देखा और एड पे क्लिक किया, उस पर डिपेंड करता है आपका कन्वर्जन रेट, जो हमने आपको बताया। यहाँ पे आप कन्वर्जन रेट कैसे निकालिएगा, 24/646 × 100, तो आपका 3 point something आ जाएगा। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज रन लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर, गो टू कम्युनिटी लाइक कमेंट एंड आंसर ऑन पोल, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक एंड ज्वाइन, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू।